हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रेंसेस के बेसिस पे एंड इस पर जो है आपको एवरी ईयर जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मेनली जो है बहुत ईजीजी क्वेश्चन मिलते हैं एंड इसके लिए जो है आप सभी को एक बात मैं कहना चाहूँगा अगर आप इसको एक से दो बार पढ़ लेते हो ना तो आपको जो है ये चैप्टर क्लियर हो जाता है बट आपको जो है थोड़ी सी समझ आनी चाहिए एंड उसके बाद में क्या है कि क्वेश्चन देखोगे तो आपको जो है ऐसे क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं ना जिसे आप एक बार हम देखिए या तो समझ लो या तो आप डायरेक्टली कर लो या तो आप ऐसे क्वेश्चन टल स्किप करोगे मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बनते हैं एंड बहुत ईजी क्वेश्चन है बनते हैं इस चैप्टर से तो सारा कुछ जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंड आपको एक इंपॉर्टेंट बात आपको जो है यहाँ पे नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है इसके नोट्स जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा आप जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक में जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जल्दी से मैं वहां पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन उससे पहले जो है आपको ये चैप्टर समझना जरूरी है बिकॉज यहाँ पे पी में डायरेक्टली आप देख के नहीं समझ पाओगे तो चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आप बात करने वाला है यहाँ पे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो इसमें जो है दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में जो है हम ज्यादा डिस्कस करेंगे जिसमें जो होता है यहाँ पे हीम एंड यहाँ पे हीमोग्लोबिन माओग्लोबिन एंड उसके साथ में बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे ना सिर्फ यही दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कंप्लीट जो है मैं आपको यहाँ पे पैकेज यहाँ पे जो है आपको समझाने वाला हूं तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल यहाँ पर डिस्कशन देता हूँ हमारे बॉडी में जो है ना हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन बहुत प्रेजेंट होते हैं तो हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट होते हैं उसका काम क्या होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट काम होता है मतलब ऑक्सीजन को जो है हमारे लंग से ले जा करके जो है मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में एंड मायोग्लोबिन क्या करता है ना उस ऑक्सीजन को स्टोरेज करता है मतलब एक तरह से आप कहो कि इसको स्टोर क्या रखता है यानी जब भी हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को जो है वो हमें हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है लेकिन सबसे पहले जो है ये टर्म्स आए कहां से उसके पीछे की जो बेसिक चीजें हैं वो कहां से आई तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले जो है यहां पर हमारा सबसे पहला चीज आता है वो आता है पोरफायरिन रिंग ओके पोरफायरिन रिंग ही जो है बहुत ज्यादा यहां पे जो है आपका बेसिक चीज है यहां पे हीम प्रोटीन के लिए एंड उसके बाद में जो है आपका हीम ग्रुप के लिए सॉरी एंड उसके बाद में हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन इन सभी के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले पोरफायर रिंग के बारे में जानते हैं तो पोरफायर रिंग कैसे फॉर्म होता है पहले वो जान लो उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे एंड यहाँ पर क्या है देखो जब यहाँ पर जो है अगर आप फोर मोलिक्यूल्स ऑफ जो है पे पायरोल को आप फोर मोलिक्यूल ऑफ फोर के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ डी डी लेविस एसिड एंड यहां पे डीसीएम तो ये

इस तरीके से लिखना है एंड उसके बाद हम क्या करना है जो यहां ये यह जो पोजिशन है यहां पे इन दोनों का इस तरीके से जो है सारे पोजिशन पे इस तरीके से मैच कर लेना तो इस तरीके से आपका यहां है फॉर्म हो जाएगा अब यहां पर डबल बोर्ड जो है अल्टरनेटिवली लगाना पे देखो यहां पे ओके okay. अब देखो ये स्ट्रक्चर जो मैंने यहां पे फॉर्म कर लिया है पूरे यहां पे जो है जितने भी यहां पे आगे चीजें मैं पढ़ाऊंगा उसमें फिर से मैं आपको स्ट्रक्चर में इस तरीके से डिटेल नहीं बताने वाला हूं इसीलिए ये स्ट्रक्चर को आप कोई जगह पर जो है पेज पर नोट कर लो उसके बेसिस पे जो है मैं आपको आगे की चीजें बताते चलूंगा बिकॉज तभी आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा बिकॉज आगे के स्ट्रक्चर में जो है आपको यहाँ पर चलेंगे अब देखो यहाँ पे क्या है इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे देखो ये जो पोजिशन होता है यहाँ पे ये पोजिशन तो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे मैंने जो सर्कल किया ये यह पोजिशन यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं ना ये सभी बोलते हैं आप बीटा पोजिशन यानी यहाँ पे जो है नंबर यहाँ पे देखो ये सभी जो पोजिशन है ये सभी बीटा पोजिशन यानी टोटल एट बीटा पोजिशन हो गए एंड वहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट्स होंगे ओके एंड ये पोर्स को जो यहाँ पे ये जो कॉर्डन रिप्रेजेंट है ना इन सभी को हम अल्फा पोर्स कहते हैं एंड उसके बाद में यहाँ पे जो इस तरीके से जो इस तरीके से जो चोच इस तरीके से उठा हुआ है ना ये जो यहाँ पे कार्बन कार्बन सी एस टू सी एस टू है इससे हम बोलेंगे मेजो पोर्सन क्या बोलेंगे मेजो पोर्स हम कहते हैं अब देखो यहाँ पे इसकी खास बात क्या होता है ना कि जो पोरफॉरिन रिंग होता है देखो यहाँ पे यह नॉर्मल पोरफायरिन बोल रहा हूँ तो ये पोरफायरिन रिंग जो होता है आपका एक एरोमेटिक होता है तो यहाँ पे अगर आप टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन यहाँ पे जो है आपके पाई इलेक्ट्रॉन है यानी यहाँ पे जो है टोटल आपके ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन जो है कंजुगेशन में है लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है ना देखो ट्वेंटी टू यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते है देखो ट्वेंटी टू के साथ में क्या होता है ना कि ये जो दोनों आपके पाई बोंड यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये आपके इस तरीके से जो रिंग यहाँ पे जो आपका कंजुगेशन जा रहा है उससे बाहर में प्रेजेंट होते हैं इसीलिए जो है ये दोनों जो है आपके पाई बोंड को हम

वन यहां पे एंड बीटा एंड जो है आपका मीजो पोजिशन जो मैंने आपको बताया अब आप यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ आपको मैं केमिकल शिफ्ट के रिगार्डिंग ओके केमिकल शिफ्ट के रिगार्डिंग अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे देखो केमिकल शिफ्ट क्या होता है ना तो यहां पे देखो यहां पे आपका होता है डेल्टा जो एन एच बोन्ड होता है जो रिंग के अंदर में देखो यहां पे सबसे पहले आप देखो यहां पे मैं बताने भूल गया अंदर में देखो दो नाइट्रोजन साथ में जो है दो एच इस तरीके से प्रेजेंट है तो इन दोनों का जो केमिकल शिफ्ट का जो वैल्यू आता है उस केमिकल शिफ्ट का वैल्यू आता है टू टू जो है थ्री पीपीएम के आ, करीब आता है माइनस टू टू माइनस थ्री एंड उसके बाद जो मीजो आता है ना वो आपका होता है 4.1 ppm के लिए होता है एंड यहां पे जो बीटा वाला होता है उसका 8 ppm होता है जो मैंने आपको यहां पे दो तरीके से बताया उनका यहां पे इस तरीके से होता है अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है ओके इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर होते हैं कि यहां पे जो कलर आपके फॉर्म होते हैं वो दो तरीके के बैंड्स के थ्रू होते हैं सबसे पहले यहां पर क्या होता है ना जो मैंने आपको दो तरीके से ट्रांसेंस बताया एक पाई टू पाई स्टार ट्रांसेंस एंड नॉन बोर्डिंग टू जो है पाई पे जो है स्टार ट्रांसेंस अब यहां पर दो तरीके के बैंड फॉर्म होते हैं एक होता है इस तरीके से सोरेट बैंड होता है एंड इस तरीके से जो है आपका क्यू बैंड होता है ओके तो क्यू सोरेट बैंड होता है वो आपका पाई टू पाई

बहुत ज़्यादा जरूरी होगा ओके okay, ये चीज़ें को जो है आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसे आप यहाँ पे याद रखना अब हम बात करने वाले यहाँ पे अब पोरफायरिंग के साथ में जो हम कुछ चीज़ें अलग करते हैं मतलब यहाँ पे क्या है ये नॉर्मली पोर्फायरिंग है अब हम यहाँ, यहाँ पे क्या करेंगे ना यहाँ पे मेटल डालेंगे एंड देखो जब आप इसके अंदर जब मेटल डाल देते हो तो मेटल डालने के बाद मुझे ही हीम ग्रुप में बदल जाता है यानी देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आप पोरफायरिंग के अंदर में जो है एफ ई डाल देते हो ना तो यहाँ पे जो हीम कहलाता है एंड कोई भी मेटल डालो ओके कोई भी मेटल डाल देते हो तो ये आपका मेटल ऑफ पोर होता है नोट हीम मेटल ऑफ पोर हो जाता है जब आप मेटल डाल दोगे तो इसका ना नेम हो जाएगा मेटल ऑफ पोर एंड जब आप एफ ई के साथ डाल देते हो इसके साथ में अंदर रिंग के अंदर में यहां पे तो वो हो जाता है आपका यहां पे यहां पे हो जाता है हीम ग्रुप हो जाता है ओके okay, तो अब देखो यहां पे क्या है कुछ चीजों के बारे में हम यहां पे जानते हैं सबसे पहले यहां पे सबसे पहले देखो यहां पे जो आपका पोरफायरिन रिंग दिया हुआ है ओके तो पोरफायरिन रिंग के अंदर मैंने बताया देखो यहां पे ये यह चार नाइट्रोजन है मैं आपको पहले ही बोला स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा इस तरीके से चार नाइट्रोजन अंदर में प्रेजेंट है जिसमें जो है दो नाइट्रोजन पास में इस तरीके से हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड यहां पे लोन पेयर एंड यहां पे लोन पेयर अब सबसे पहले क्या है ना जब आप इसे एच प्लस दोगे ना जब आप इसे एच प्लस दोगे तो यहां पे क्या होगा ये लोन पेयर जो है इस तरीके से आपके आगे कनेक्ट हो जाएंगे लोन पेयर साथ में एंड यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे मतलब लोन पेयर साथ में जो है एच प्लस दोगे तो ये आपका डाई डाइटाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे लेकिन जब आप ओ एच माइनस दोगे ना तो ओ एच

फोर फाइव सिक्स यानी सिक्स मेबरिंग सिक्स मेंबर, सिक्स मेंबर, सिक्स मेंबर मतलब फोर सिक्स मेबरिंग आपके फॉर्म हो जाएंगे एंड यहाँ पे जो है आपको फोर जो है फाइव मेम्बरिंग जो है आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है ओके फोर फाइव मेबरिंग का जो है आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है तो ये चीज़ याद रखना आपको एग्जाम से पूछा जा सकता है कि मेटल और में कितने फाइव एंड कितने सिक्स मेबरिंग होते हैं अब यहाँ पे देखो अगर आप इसी जगह पर मेटल के बदले में आप जब एफ डाल हो तो वो हो जाएगा आपका हीम हो जाएगा अब यहाँ पे देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जब आप मेटल डाल देते हो ना तो मेटल डालने के बाद में जो इसका सिग्नल जो है एक डिक्रीज कर जाता है तो अब आपसे पूछा जाएगा कि एक सिग्नल क्यों डिक्रीज कर गया बिकॉज जो नाइट्रोजन के पास में जो हाइड्रोजन वो रिप्लेस हो गया मेटल के साथ में एंड एक जो यहां पे सिग्नल था था, था था। तो है, जो है, पाई, टू पाई आपने जो है उस के लिए हाइड्रोजन हटा दिया है नॉन बॉन्डिंग टू पाइव स्टार ट्रांसर्स जो है, है यहां पे खत्म हो जाते हैं अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आपने इस मेटल को फॉर्म कर लिया तो इसकी कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी मतलब यहां पे जो मेटल है मेटल किस मेटल से ज्यादा स्टेबल होगा उसके ऊपर आपको यहां पर आपको को क्वेश्चंस पूछा जाए तो यहाँ पे देखो क्या है जब आप निकेल दोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एंड उसके बाद तुम कॉपर दोगे तो उससे कम स्टेबल होगा देन कोबाल्ट देन आपका एफ ई देन जिंक मतलब ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है जब आप मेटल ऑफ पोरफाइरीन जब आप फॉर्म करते हो तो इसे याद रखना ट्रिक है आप सिंपली याद रखना 897 ओके 897 610 एट नाइन्टी सेवन सिक्स हंड्रेड एंड मोबाइल नंबर याद कर लेना अब यहां गया एंड यह ये देखो डी वन जीरो आठ सौ संतानवे छह सौ दस तो इस तरीके से जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है अब यहां पर हम बात करने वाले हैं अपने यहां पर नेक्स्ट यहां पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मायोग्लोबिन अब देखो मैंने जैसे आपको बताया सबसे पहले जो है ये ऑक्सीजन का जो है स्टोरेज करता है जो लंग्स के थ्रू जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर के आता है हमारे बॉडी में उसे जो है हमारे जो भी सेल्स होते हैं ना जो टी

पे जो है आपका हिस्ट्री आ जाता है एंड सिक्स्थ कोऑर्डिनेशन पे जब आपका वाटर आ जाता है ना तो इस केसेस में जो है आप इसे क्या बोलोगे या बोलोगे इसे डीऑक्सी ओके नॉर्मली इस तरीके से फॉर्म किया हुआ है ओके okay? तो ये आपका हो गया यहाँ पे मायोग्लोबिन हो गया लेकिन अब हम यहाँ बात करने वाले हैं ऑक्सी एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में तो यहां पे देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना जो आपका यहां पे दिया हुआ है ना जो आपका यहां पे मायोग्लोबिन हम मायोग्लोबिन पढ़ रहे हैं okay, तो जो मायोग्लोबिन दिया हुआ है इसका जो फिफ्थ कोर्डिनेशन साइट होता है ना यहां पे हिस्टाडीन प्रेजेंट होता है तो हिस्टाडीन किससे जुड़ा हुआ हो है, तो होता है आपको एग्जाम से क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो आपका प्रेजेंट होता है इमिडाजोल रिंग ओके ये आपका इमिडाजोल रिंग से जो है जुड़ा हुआ होता है यहां पर ये पोस्टन जो आपको कोर्डिनेटेड साइट दिख रहा है आपका इमिडाजोल रिंग से जो है जुड़ा हुआ होता है अब यहां पर हम बात करने वाले हैं डिओक्सी एंड ऑक्सी हिमोग्लोबिन के बारे में तो सबसे पहले देखो यहां पे क्या है जो डिओक्सी फॉर्म होता है उसमें जब ऑक्सीजन जब ऐड कर दोगे ना तो वो आपका

इस तरीके से जो है अपार्ड में इस तरीके से प्रेजेंट होता है अब अपार्ड में इस तरीके से प्रेजेंट क्यों होता है मतलब देखो जो रिंग होता है ना इस तरीके से जो आपका पे जो पे है है प्रेजेंट ये आपका एक प्लेनर सिस्टम होता है लेकिन मेटल जो है थोड़ा इस तरीके से में प्रेजेंट होता है ये आपका जेड आउट के कारण प्रेजेंट होता है मेटल जो है से थोड़ा सा जो है अपॉर्ड में प्रेजेंट होता है ये आपका जो है जेड आउट के कारण होता है ओके ये याद रखना अब यहाँ पर क्या होता है ना यहाँ पे जो है एफ ई टू प्लस आपका यहाँ पे हाई स्पिन होता है ओके हाई स्पिन होता है एंड यहाँ पे एफ ई जो होता है आपका लो स्पिन होता है एंड हाई स्पिन होने के कारण एफ टू प्लस होता है डी सिक्स होता है एंड डी सिक्स होने कारण जो है हाई स्पीड होने कारण जो है आपका इसमें जो है आपका फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड इसमें जो है डी सिक्स लो पर होने के कारण जो है इसमें जो है जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ओके अब यहाँ पे देखो ये मैंने जेड आउट दिखाया है इस तरीके से जो है मैंने आपके यहाँ यहाँ पे जो है कोर्डनेशन में आपने पढ़ा होगा यहाँ पे ये चीजें मैंने आपको दिखाई दी अब देखो यहाँ पे क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है यहाँ पे सिमेट्रिकल यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ दियामेटिकल एफ वी लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है ना ये जो होता है आपका ई एस आर इक्टिव होता है ये आपका ई एस आर एक्टिव होता है आप देखो ई एस आर कैसे पहचाने जिसके पास में जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो आपका ई एस आर एक्टिव होगा जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होंगे वो ई एस आर इन होगा ये दोनों चीज़ों को याद रखना अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक मायोग्लोबिन गलो, के बारे में तो देखो मायोग्लोबिन का वर्क क्या होता है ना ये आपका आरबीसी में होता है ये हीम प्रोटीन है ओके दो तरीके से भी हमने हीम प्रोटीन पढ़ा एक हीम प्रोटीन हमने मायोग्लोबिन पढ़ा एंड हीम प्रोटीन जो है हमने यहाँ पे हेमोग्लोबिन पढ़ा अब यहाँ पे क्या है इसका वर्किंग होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है एंड ये होता है रेड पिगमेंट कलर जो होता है इसका पाई टू फाइव स्टार ट्रांसम के कारण होता है अब यहाँ पे देखो क्या है ना यहाँ पे क्या होता है जब आप चार यहां पे मोनोमर यूनिट जो है मायोग्लोबिन के एक साथ जब आप अटैच कर दोगे तो वो आपका हीमोग्लोबिन बन जाएगा ओके चार मोनोमर यूनिट ऑफ जो है आपका हीमोग्लोबिन को ही हम यहाँ पे मायोग्लोबिन कहते हैं यहां पे ओके अब देखो इसमें जो दो तरीके के चैन प्रेजेंट होते हैं एक आपका अल्फा ओके यहाँ पे जो है आपको दो तरीके से चैन प्रेजेंट होता है अल्फा एंड जो है आपका बीटा अल्फा में जो है आपके वन अमीनो एसिड पाए जाते हैं एंड बीटा में जो है अमीनो एसिड जो है आपके पाए जाते हैं इन दोनों चीजों को आप याद रखना अब देखो यहाँ पे मैं आपको चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताता हूं कोऑपरेटिव

प्लस थ्री ऑक्सीजन में प्रेजेंट होता है आयरन एंड यहां पे देखो फिर से ये ऑक्सी वाला यहाँ पे हाई स्पिन एंड यहां पे जो है ऑक्सी वाला लो स्पिन होता है एंड हाई स्पिन होने के कारण जो ये आपका जो है पारा मैग्नेटिक होता है ओके ये जो होता है आपका पारा मैग्नेटिक होता है एफ टू एंड यहां पे लो स्पिन होने के कारण जो है ये देखो ये आप बोलोगे एफी थ्री प्लस जो है सॉरी यहां पे एफी थ्री प्लस डी फाइव जो है आप बोलोगे पारा मैग्नेटिक होता है बट ये पारा मैग्नेटिक नहीं होता देखो यहां पे इस तरीके से प्रेजेंट होता है ये वन टू थ्री फोर फाइव ओके ये वन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन थ्री इलेक्ट्रॉन फोर इलेक्ट्रॉन फाइव इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे देखो चूकि यहाँ पे जो है चार यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे मोनोमर यूनिट होते हैं मायोग्लोबिन का तो चार यहाँ पे प्रेजेंट है मतलब देखो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे अगर एक एफ इस तरीके से प्रेजेंट है तो दूसरा एफ जो है आपका इस तरीके से प्रेजेंट है तो ये दोनों आपस में जो है एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करने के बाद में जो है ये आपका इस तरीके से फॉर्म कर देते हैं ओके okay. ये आपका इस तरीके से फॉर्म करते हैं एंड ये फॉर्म होने के बाद में जो है फॉर्म होने के बाद में आपका क्या होता है, ये आपका हो जाता है। तो ये को आप ध्यान है, एंटी जो है, आपका डायमैग्नेटिक हो, हो जाएगा ओके आप यहाँ पे फिर से हम बात करने वाले देखो जो आपका एफ ई होता है ओके जो मैंने बताया आपको इस तरीके से इस तरीके से चार नाइट्रोजन इस तरीके से प्रेजेंट है ओके इस तरीके से चार नाइट्रोजन प्रेजेंट है यह आपका जो है इस तरीके से प्रेजेंट है अब यहाँ पे हमने क्या एफ ई हमने दे दिया एफ ई टू प्लस एंड एफ ई थ्री प्लस दे दिया तो यहां पे जो बोन का जो डिस्टेंस है ना ओके बोन का जो डिस्टेंस है वो आपका डिऑक्सी फॉर्म में जो है एफ ई एन का बोन लेंथ जो है ज्यादा होता है एंड यहां पे एफ ई बोन लेंथ का जो है लेंथ जो है स्वटर होता है इन केस ऑफ जो है ऑक्सी यहां पे हीमोग्लोबिन में तो ये चीजें को आप यहां पे याद रखना है अब यहां पे बात करने वाले रोड रोल ऑफ जो है यहाँ पे प्रोटीन चेन के बारे में तो देखो यहां पे नॉर्मल एक दो चीजें आप यहाँ पे याद रखना है यहां पर देखो मैं यहाँ पे आपको यहां पे जो आप यहाँ याद रखना म्यू पर डाइमर जो होता है ना उसमें यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट जो होता है प्लस थ्री होता है है एंड जो ये आपका हेमाटीन जो फॉर्म होता है कैसे फॉर्म हो रहा है इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ ओके okay, जो आपका यहाँ पे हेमाटीन जो फॉर्म होता है ना हेमाटीन में जो है आपका यहाँ पे Fe3+ में जो है प्रेजेंट होता है एंड हेमाटीन में जो है यहाँ पे पोरफारिन जो पी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो पोरफारिन है एंड यहाँ पे जो है एफ एंड उसके ऑक्सीजन एंड एफ एंड यहाँ पे पोरफारिन इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है इसका ये चीज़ों को आप यहाँ पे याद रखना दो चीज़ें याद रखना क्या है यहाँ पे जो म्यू पे जो है हेमाटीन में ऑक्सीजन स्टेट एंड म्यू ऑक्सोडाइमर में जो है आपका यहाँ पे कितना होता है एंड इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये दोनों चीज़ें स्ट्रक्चर को आप यहां पे याद रख लेना एंड यहां पे जो है ओके okay, ये यह आपका यहां पे हेमाटीन होता है ये यह बात यहां पे याद रखना अब बात करने वाले फैक्टर्स में जो है आपका यहाँ पे, यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ तो, तो देखो जो आपका होता है, होता है। मतलब जितना पीएच होगा उतना ही बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन होगा ओके अब यहां पे बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन बारे में क्यों कह रहा हूं बिकॉज हमारे बॉडी में जो है आप लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन को लेकर के जा रहे हो तो हीमोग्लोबिन में जो है आपका ऑक्सीजन आ रहा है एंड यहां पे मायोग्लोबिन में भी ऑक्सीजन जा रहा है मतलब हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कुछ होगी ओके हीमोग्लोबिन की कुछ बाइंडिंग ऑक्सीजन के, के साथ में तभी तो वो ऑक्सीजन को कैप्चर करके जो है हमारे बॉडी से जो है हमारे टिश्यूज के पास तक जो है लेकर के जाता है इसीलिए जो है हमारा यहां पे क्या हो गया पीएच जो होता है ना बाइंडिंग ऑफ ऑटू यहां पर डिपेंडेंट होता है अब यहाँ पे एक दो चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सबसे पहले यहां पे क्या है जितना ज्यादा जो है एसिडिटी ऑफ ब्लड जो है इंक्रीज करेगा ना जितना ज्यादा एसिडिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज करेगा तो आप बताओ मुझे एसिडिटी इंक्रीज करेगा मतलब एच प्लस का कंसट्रेशन जो है इंक्रीज करेगा अब एच प्लस का कंसट्रेशन इंक्रीज करेगा मतलब पी जो है आपका डिक्रीज करेगा ऑफकोर्स डिक्रीज करेगा बिकॉज आपको पता है पी जो है, होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस का कंसेंट्रेशन होता है बिकॉज देखो पी एच क्या होता है माइनस लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस मतलब यहाँ पे देखो आपका जो है नेगेटिव यहाँ पे लोग के साथ में जो डिपेंडेंट मतलब पीएच जितना ज्यादा होगा उतना ही कम जो है की वैल्यू होगी मतलब एसिडिटी जितना ज्यादा इंक्रीज होगा ना उतना ही कम पीएच होगा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सीओ टू जो इनवर्सलीफ ओ टू मतलब जितना बाइंडिंग ऑफ ओटू होगा उतना ही कम कंसट्रेशन ऑफ सीओ बचेगा बिकॉज हमारे बॉडी में जितना ऑक्सीजन आएगा उतना ही कम जो है सी बचेगा लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे कैपेसिटी ऑफ ओट जो है आपका घट जाएगा तो यहां पे सीओ टू का जो है इंक्रीज कर डेथ भी हो सकती है अब यहाँ पे देखो पीएच

जो हीमोग्लोबिन होता है शुरू में ऑक्सीजन ऐड किया हमने तो शुरू में बाइंड नहीं किया लेकिन जैसे हमने बाइंड कर दिया तो उसके बाद में जो है वो इस तरीके से इंक्रीज कर लिया जाता है ऑक्सीजन को बाइंडिंग करने के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है ना कि ये इस तरीके से दिया हुआ मतलब इंक्रीज हो रहा है अब देखो यहाँ पे, पे याद करने का टी बता हूँ जो एच होता है ना ए से होता है हाइपर बोला तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन का यहाँ पर जो यहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन का जो ग्राफ होगा ना वो हाइपर नहीं होगा मतलब वो सीमा सिगमोडियल होता है सिगमोडोनियल या भी सिगमोडियल आप कह सकते हो इसे अब यहाँ पे जो मायोग्लोबिन का जो यहाँ पे ग्राफ का नेम होता है उसे आप बोलोगे हाइपरबोला तो ये चीज़ याद रखना है यहाँ पे समझने वाल वाली बात क्या है कि मायोग्लोबिन का नेम होता है हाइपरबोला एंड हीमोग्लोबिन का सिक सिंग होता है अब समझने वाली बात क्या है कि एच से हीबिन होता है ओके हीमोग्लोबिन से एच से हाइपर बोला भी होता है तो याद रखना कि जो एच वाला स्टार्ट होगा वो इसका नहीं होगा डाइम यहाँ पर जो है आपका ग्राफ तो ये चीज को आप यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे ये ग्राफ के नेम है आपको एग्जाम्स में इस पर जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं अब यहाँ पे जो है इफेक्ट ऑफ जो है यहाँ पे जो है हम यहाँ पे बात करने में बीस जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है ओके ओके okay, यहां पे हम मेट हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं उसके बारे में यहां पे बात नहीं करते हैं। यहां पे मेट हीमोग्लोबिन के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं तो मेट हीमोग्लोबिन में क्या होता है यहां पे जो मेट हीमोग्लोबिन में आपको याद रखना तो है ना मेट हीमोग्लोबिन का जो है स्ट्रक्चर यहां पे मेनली आपको याद रखना है देखो तो यहां पे जो एफ ई होता है ना वो कितने ऑक्सीजन स्टेट प्रेजेंट होता है तो देखो यहां पे मेट हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है पी आर पे पर रिप्रेजेंट कर रहा है पी आर एफ ए थ्री एंड यहां पे एस टू एंड ए जो है मेट हीमोग्लोबिन एंड यहां पे मेट हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन स्टेट हो जाता है आपका एफ ई का प्लस थ्री होता है अब देखो परसेंटेज ऑफ यहां पे जो है मेट हीमोग्लोबिन

इन्वर्टिव से पाया जाता है एंड हेमरेथिन का यहाँ पे वर्क होता है ऑक्सीजन का स्टोरेज करना ओके ओके ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे हेमरेथिन का स्टोरेज करना होता है ओके अब देखो यहाँ पे क्या है सबसे बात यहां पे अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर आप चेक करोगे okay? देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है देखो यहां पे दो एफी इस हुए हैं एक जुड़े हुए हैं एंड यहाँ पे एक दो हिस्ट्रोडीन साथ जुड़े हुए हैं ओके तो ये जो फॉर्म होता है ना ये होता डी ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता ओके होता आपका डी ऑक्सी होता है ये आपका डी ऑक्सी होता है देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपका डी ऑक्सी होता है अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या ये जो एफी होता है ये आपका है

टू मतलब एच ओ टू माइनस के फॉर्म में होता है लेकिन सिंपली ऑक्सीजन के फॉर्म में देखो तो ये टू माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पे ये के फॉर्म में होता है एंड इसका जो है आप यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखो तो एट फोर्टी फाइव यहां पे सेंटीमीटर इनवर्स होता है ओके अब यहां पे देखो समझने वाली बात क्या है ना यहाँ पे एफ ई टू पॉजिटिव प्रेजेंट है एफ ई टू पॉजिटिव प्रेजेंट होने के का कारण मतलब ये आपका डीसी होता है लेकिन यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना ये आपका फॉर्म है तो यहाँ पे देखो ये आपका डायमैग्नेटिक होता है एंड यह सारा इनेक्टिव हो गया बिकॉज डायमैग्नेटिक होने के कारण जो है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है ये आपका इनेटिव हो जाता है

ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें जो है आपके कोपर कंटेनिंग प्रोटीन है तो आपको एग्जाम्स में जो है कोपर कंटेनिंग प्रोटीन के बारे में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब यहां पे देखो क्या है हमने यहां पे देखा यहां पे तीन यूनिट इस तरीके से, से जुड़े हुए एंड यहाँ पे दो स्टडियन यूनिट जो है इस तरीके से जुड़े हुए हैं एंड ये स्ट्रक्चर जो मेनली होता है ये आपका डी जो है हैमोसाइन का स्ट्रक्चर होता है जब आप इसे ऑक्सीजन देते हो ना ऑक्सीजन देने के फॉर्म में, में, में आ जाता है एंड यहाँ पे तो इसका नेम हो जाता है ऑक्सीमोग्लोबिन एंड यहाँ पे जो यहाँ पे जो है ओ ओ का जो है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अगर आप चेक करोगे तो ये होता है सेवन फोर्टी फाइव सेंटीमीटर इनवर्स होता है एंड ये स्ट्रक्चर होता है एंड यहाँ पे जो है आपको एग्जाम्स इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब देखो यहां पे मैंने जैसे बताया ये ये क्या करता है हेमोसाइन जो है होता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ जो है यहां पे ऑक्सीजन करता है ओके ये ट्रांसपोर्ट करता है मरीन भर्टीब्रेड्स में एंड ये भी जो होता है ये स्टोर करता है मरीन भर्टीब्रेड्स में जो ऑक्सीजन का स्टोरेज तो ये दोनों चीजें आप यहां पर ध्यान देना अब हम बात करने वाले यहाँ पे डी ऑक्सीजन ऑक्सी यहाँ पे जो है आपका फॉर्म के बारे में तो देखो डी में कोपर वन एंड यहाँ पे कोपर टू होता है कोपर वन मतलब डीटेन एंड यहाँ पर डीटाइन मतलब अब यहाँ पर डिटेन होने कारण जो है आपका डीटेन फुली फिल्ड मतलब डाय एंड डी नाइन जो है आपका यहाँ पर डाया मैग्नेटिक होता है एंड यहाँ पर डाय मैंगटिक होने के कारण जो है ई एस आर इनेक्टिव एंड ये जो है आपका ये भी जो होता है आपका ई एस आर इनेक्टिव होता है बिकॉज डाया मैग्नेटिक है अब देखो यहां पे ये यह डाय मैटिक क्यों होगा बिकॉज यहाँ पे डी नाइन है लेकिन डाय मैगनेटिक इसी लिए हो गया बिकॉज यहाँ पे दो कोपर प्रेजेंट होते हैं एंड दो कोपर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ओके प्लस टू में तो यहाँ पे डी नाइन मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके सॉरी यहाँ पे फोर फाइव सिक्स मैंने लिख दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ पे इस तरह से नाइन हो गया एंड फिर से जो है वन टू थ्री फोर फाइव एंड यहाँ पे इस तरीके से जो है आपका हो गया अब ये ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है आपस में एंटी फेरामेंटिक कपलिंग करने के कारण जो है आपका ये जो है आपका डायमेंटिक फॉर्म चला चलाता है एंड ये आपका ब्लू कलर का होता है ये भी आपका कलरलेस होता है डिओक्सी फॉर्म वाला एंड यहाँ पे जो हिस्सा ब्लू ब्लड भी कहते हो तो आपको एग्जाम्स पूछा जाएगा कि किसे ब्लू ब्लड कहते हैं तो आप बोलो क्या ऑक्सी जो है हेमोसाइनिन का जो कलर होता है वो ब्लू ब्लड होता है ड्यू टू जो है एल अब हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जिस पर जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहां पे हमारा दिया हुआ है मेटलो एंजाइम के बारे में तो मेटलो एंजाइम में हमारा सबसे पहले आता है कार्बोनिक एनहाइड्राइस आता है कार्बोनिक एनहाइड्राइस आता है अब देखो कार्बोनिक एनहाइड्राइट का जो स्ट्रक्चर होता है यहां पे जिंक होता है एंड तीन हिस्टोडीन यूनिट जो है इस तरीके से जुड़े होते हैं एंड एक जगह पे ऊपर में जो है वाटर होता है एंड इसका स्ट्रक्चर जो है टेट्राइडन होता है एंड जिंक जो होता है यहाँ पे कनेक्टेड होता है नाइट्रोजन ऑफ हिस्टोडीन यहाँ पे जो हिस्टोडिन दिए हुए हैं इसके नाइट्रोजन साथ हुए जुड़े हुए थे एंड हिस्ट्रीडिन मेनली आपके एमिनो एसिड्स होते हैं आप देखो इसका वर्किंग क्या होता है इसका वर्किंग होता है कन्वर्ट देता है कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं यहां पर देखो अगर आप यहां पे देखो सीओ टू के रेस्पेक्ट में आपसे एग्जाम पूछा जाए तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है एंड ओ एच के रेस्पेक्ट में अगर आपको पूछा तो ये न्यूक्लोफिलिक एडिशन होता है तो ये दो याद रखना अगर आपको एग्जाम सीओ टू के रेस्पेक्ट में जो है आपको पूछा जा रहा है कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसका यहाँ पे जो है कार्बनिक एन के थ्रू तो ये आपका कैसा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या फिर यूक्लोफिल तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है एंड ये आपका न्यूक्लोफिलिक जो है एडिशन होता है एंड यहाँ पर देखो एस का जो फॉर्मेशन हो गया इसके मैकेजम के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अब कार्बोक्सी पेप्टाइडिस का वर्क क्या होता है ना इसका वर्क होता है क्लीवेज पेपटाइड बोर्ड स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें सेम होती बट यहाँ पर जो है एक सिंपली जो है आपका यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड चलाता है एंड इसका जो है स्ट्रक्चर टेटाइडल होता है एंड इसमें जो है टू प्लस जो है प्रेजेंट होता है ओके अब देखो पेप्टाइड बोन क्या होता है जो सी डबल बोन ओ एन एच जो प्रेजेंट होता है ना वही होता है हमारा यहाँ पे पेप्टाइड बोन इसी को जो है ब्रेकिंग करने में जो हमारा ये यूज होता है एंड एक बात याद रखना एक जो है आपका टर्मिनल वाले को जो है ये ब्रेक करता है मतलब एस्पार्टिक यहाँ पे प्रेजेंट हो गया एंड ग्लूटामिक प्रेजेंट हो गया ओके okay, देखो यहाँ पे क्या है एस्पार्टिक प्रेजेंट हो गया मान लेते हैं एंड यहाँ पे ग्लूटामिक इस तरीके से प्रेजेंट हो गया एंड यहाँ पे एलानी प्रेजेंट हो गया तो ये इस तरीके से ब्रेक करेगा एंड आपका फॉर्म करेगा एसपार्टिक एंड ग्लूटामिक इस तरीके से फॉर्म करता है तो एक बार में एक ही करेगा ओके अब नेक्स्ट बात करने वाले हम यहाँ पे एल यानी लीवर एल्कोहल डी हाइड्रोजनी एंजाइम के बारे में तो इसका वर्किंग क्या होता है ना प्राइ यहाँ पर टू डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है एंड यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे देखो हिस्टेडियन वाटर दोनों ही होंगे लेकिन एक यहाँ पे हमने क्या किया सिस्टीन हमने दो यहाँ पे दे दिया ये भी चीज़ों को आप यहाँ पे याद रखना एंड यहाँ पे जो है ओके ये आपका एस एच से कनेक्टेड होता है सिस्टीन का जो है एस एच एस से जो है ये कनेक्टेड होता है अब हम बात करने वाले हैं पेरोक्सीडाइज ओके पेरोक्सीडाइज एंजाइम के बारे में तो ये आपका क्या होता है देखो ये आपका हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है याद रखना एग्जाम में आपका पूछ सकता है कि इसमें हीम प्रेजेंट होता है तो ये आपका पेरोक्सी एंजाइम में जो है हीम है हीम प्रेजेंट होता एंड ये आपका हाई स्पिन कंप्रेस होता है एंड ये आपका ग्रीन कलर कंप्रेस होता है एंड ये ऑक्सीडेशन ऑफ एनी कंपाउंड मतलब इसका वर्क होता है ऑक्सीडेशन के फॉर्म में अब यहां पे कैटेटिक यहां पे जो है कैटलाइज एंजाइम के बारे में बात करें तो ये आपका टेट्रामर मरऑफ जो है पेरोक्सा यहाँ पे जो है यहां पे जो भी यहां पर था ओके पेरोक्स जहां जो है पेरोक्सडाइज जो भी आपके दिया हुआ है उसका टेट्रामर होता है एंड इसका जो है इसका फंक्शन क्या होता है ना डी कम्पोजन ऑफ एस टू ओ टू करता है अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट साइटोक्रोम पी फोर फाइव जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां देखो समझना इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी तरीके से सबसे पहले क्या दिया हुआ यहाँ पे यहां पे हीम ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है यहां पे साइटोक्रोम में अब ये आपका लो स्पिन कंप्लेस होता है एंड ये आपका पैरामैग्नेटिक होता है बिकॉज यहाँ पे एफी जो है प्लस थ्री ऑक्सीसन स्टेट में प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पे यहाँ पे पैरामैग्नेटिक होने के कारण जो है आपका ई एस आर यहाँ पे जो है आपका इनएक्टिव होता है एंड इसका पीक जो है कुछ इस तरीके से ज्यादा ये पीक को आप यहाँ पे ध्यान देना अब यहाँ पे देखो इसका वर्क क्या होता है साइटोक्रोम पी फोर फाइव जीरो का वर्क क्या होता है ना ये ओ ओ बोन को जो है क्लीव करता है एंड सी एच बोन को ऑक्सीडाइज करता है मतलब जो आपका सी एच होता है ना उसे सी ओ एच में कन्वर्ट कर देता है ओके एंड उसका सी डबल बोन सी को जो है आपका देखो सी डबल बोन सी जो होता है ना इसे कन्वर्ट करता है सी इस तरीके से जो है इस तरीके से कन्वर्ट करता है तो इन चीजों को नोट कर लेना ओके ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने यहां पर रिएक्शन दिखाया यहां पे देखो यहाँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ ये आपका सी एच यहाँ बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें जो है ओवर चीज इस तरीके से कनेक्ट कर दिया एंड यहाँ पे सी डबल वन सी है यहाँ पे जो ऑक्सीजन इस तरीके से चलाता है अब हम बात करने वाले हैं टायरोल टायरो पे नेस के बारे में तो इसमें प्रेजेंट है कोपर कोपट्टू ये फेनोल से जो है डायफेन में जो है कन्वर्ट करता है अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वाइटामिन बी ट्वेल्व वायटामिन क्या होता है ना इसमें जो है आपका कोरिन रिंग प्रेजेंट होता है बाकी अभी तक हमें जो है पोर रिंग के बारे में बात की यहाँ पे जो है कोरिन रिंग प्रेजेंट होता है एंड ये एक इंपॉर्टेंट बात क्या है ना जो वाइटामिन बी ट्वेल्व बताइए फर्स्ट जो है आपका ओके ये फर्स्ट आपका नेचुरली ओकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है मेरी बात सुनना फर्स्ट नेचुरली ओक, ओकरिंग जो है आपका ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जो कि आपका नेचर में प्रेजेंट होता है अब यहाँ पे देखो बैटमिन बी ट्वेल्व का जो स्ट्रक्चर होता है ना ये सभी चीजें जो है आपका जिस तरीके से पोफारिमिन आपने बनाया था उसी तरीके सेम होते हैं लेकिन यहां पे देखो ये जो यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो आप पोफारिंग में यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है ना यहाँ पे ये ना प्रेजेंट हो कि ये इस तरीके से ये बोन डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है तो ये इसी को ध्यान देना ओके okay, मैं यहाँ पे सुधार रहा हूँ एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड कंजुगेशन जो है मैंने फिर से नहीं दिखाई पूरा मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आप वो स्ट्रक्चर नोट कर लो यहाँ पे देखो तो ये बॉन्ड को बस डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर देना तो आपका जो है यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा आपका फॉर्म हो जाएगा इसके इसके लिए यह आपका कोरियन रिंग फोर्म हो जाएगा जो कि आपका बैटमेंट वी में प्रेजेंट होता है अब आप देखो आपने क्या किया कि यहाँ पे एक सिक्स मेबरिंग को कम कर दिया मतलब यहाँ पे वन टू थ्री सिक्स मेबरिंग प्रेजेंट होगा एंड वन टू थ्री फोर यानी फाइव फाइव मेबरिंग जो है आपके प्रेजेंट होंगे तो ये दोनों चीज आप यहां पे याद रखना अब यहाँ पे देखो ये जो कोबाल्ट होता है इसमें जो मेटल कौन सा प्रेजेंट होता है मेटल आपका यहाँ पे कोबाल्ट होता है ओके ये आपका लो स्पिन कंप्लेस होता है एंड कोबाल्ट थ्री यानी डी सिक्स कंप्लेस जाता है एंड डी सिक्स यहाँ पे अगर आप देखो तो लो स्पिन हो गया मतलब ये वन टू थ्री एंड फोर फाइव सिक्स मतलब ये आपका डाया मैग्नेटिक होता है एंड इसका जो कलर होता है ना ये आपका रेड कलर होता है डू टू पाइव टू पाई स्टार ट्रांसिस कारण होता है ओके अब ये जो है बाइटमेंट बी का स्ट्रक्चर है यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कोबाल्ट थ्री दिया हुआ है ये आपका डी सिक्स होता है जब इसे आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देते हो इसे रिडक्शन करते हो तो ये डी सेवन का मे जो है कन्वर्ट हो जाता है एंड ये आपका जो है पारा मैगनेटिक हो जाता है जो कि ई जो है एक्टिव होता है एंड ये आपका रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया एंड जब आप सुपर रिड्यूस्ड फॉर्म दिखाओगे सीओ प्लस वन ओके सी ओ प्लस वन दिखाओगे तो यहाँ पे जो है आप डीएट हो जाता है यानी आपका सुपर रिड्यूस फॉर्म यानी ब्लू ग्रीन कलर जो है इसका हो जाता है अब यहां पर इंपोर्टेंट क्या है जो आपका यहां पे कबाल थ्री प्लस होता है ना ये आपका जो है इस तरीके से जो है अपना ऑक्सीजन स्टेट को चेंज करता रहता है तो इसी रीजन से जो है यहां पे क्या होता है ना अब आप बोलोगे कि कोबाल्ट के, के केस में यानी वाइट वन बिल ट्वेल्व केस में जो है पोरफाइरिंग क्यों नहीं प्रेजेंट होता है बिकॉज क्या होता है ना यहां पे जो है कोरिनिंग इसलिए प्रेजेंट होता है बिकॉज कबाल जो है अपना ऑक्सीसन स्टेट को जो है चेंज करता रहता है एंड जो है ऑक्सीजन स्टेट चेंज होने के कारण जो है ये आपका पोरफाइर में जो है स्टेबल नहीं होता है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेबल जो है आपका कोरिन रिंग में जो है स्टेबल हो सकता है इसीलिए जो है आपका यहां पे कोरिन प्रेजेंट होता है अब हम बात करने वाले हैं क्लोरोफिल के बारे में तो क्लोरोफिल में जो है आपका इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है तो यहां पे देखो फिर से जो यहां पे कंजुगेशन मैंने नहीं दिखाया प्लीज मैं बोल रहा हूं इस चीज को आप यहां पे कैसे मत करना कि सर ने जो यहां पे कंजुगेशन गलत वगैरह दिखाया है मैं यहां पे पहले बोल रहा हूं कंजुकेशन मैंने नहीं दिखाया आप वहां पे जो मैंने आपको बनाने बोला था स्ट्रक्चर शुरू में ही उसे आप बना लेना आप यहां पे देखो सिंपली यहां पे क्या होता है सारी चीजें सेम होती है लेकिन यहां पे जो है एक यहां पे इस तरीके से डबल बोन और इस तरीके से रिंग यहां पे एक्स्ट्रा बढ़ जाता है अब यहां पे क्या होता है ना यहां पे क्लोरीन रिंग प्रेजेंट होता है ये रिंग होता है इसका नाम होता है क्लोरीन तो यहाँ पे क्लोरोफिल में क्लोरिन एंड उसके बाद में जो है वाइटामिन बी ट्वेल्व में जो है आपका यहाँ पे कोरिन एंड जो आपका हेमोग्लोबिन माइग्लोबिन में जो है पोर रिंग प्रेजेंट होता है अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे फाइव जो है फाइव मेंबर रिंग होता है एंड फोर जो है आपका सिक्स मेंबर होता है बिकॉज यहाँ पे देखो फोर सिक्स मेंबर तो प्रेजेंट है लेकिन एक फाइव में रिंग जो है एक्स्ट्रा बढ़ जाता है आप देखो यहां के आंसर जो है आप यहां पे देख लेना ओके इसको आप सॉल्व कर लेना एंड यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हमारे प्लास्ट ऑफ साइनिन एंड यहां पे एजोरिन तो प्लास्ट साइन का स्ट्रक्चर देखो यहां है एंड यहां पर होता है एंड यहां पे जो है आपका स्ट्रक्चर सिक्सटीन सिक्सटी इस, इस तरीके से प्रेजेंट होता है ओके आप यहां पे देखो यहां पे एजोरिन का स्ट्रक्चर जो है आपका इस तरीके से होता है यहां पे ग्लासिन एंड इस तरीके सिक्सटीन हिस्टूडीन जो है आपका प्रेजेंट होता है अब इसका स्ट्रक्चर बात करोगे ना तो प्लास्टो का स्ट्रक्चर होता है डिस्टोर्डर टेट्राडल एंड यहाँ पे एजोरिन होता है आपका टीबीपी स्ट्रक्चर का होता है ये दोनों चीज आप यहाँ पे याद रखना एंड प्लास्टोसाइनिन का वर्क होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन फोटोसिथेसिक में जो है ये आपका वर्क होता है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ओके अब यहाँ पे हैं बात करने वाले नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अभी हम बात करेंगे जस्ट ओके लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पर ध्यान दे लो ओके तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है यहाँ पर एट इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं एंड यहाँ पे एट प्रोटोन प्लस जो इन्वॉल्व होते हैं एंड यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन को जो है आप इस तरीके से यहाँ पे शो करोगे ये याद रखना अब स्टोरेज ऑफ एफी जो है ह्यूमन बॉडी में कौन करता है फेरेडी करता है स्टोरेज ऑफ एफी इन एनिमल जो है करता है ये दोनों चीज़ आप यहाँ पे याद रखना अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जो जो आपका यहाँ पे एयर में जो है एटमोस्फेयर में जो एन फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है उसे एन के रूप में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है ना देखो जो एन टू जो प्रेजेंट होता है उसे एन एस थ्री में जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे ये बोलते है हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन तो ये मेनली दो तरीके से होता है बायोलॉजिकल okay? प्रोसेस के थ्रू होता है एंड आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस के, के बायोलॉजिकल प्रोसेस, पे, पे प्रोसेस अब यहां पर एन टू से जो है एन एस थ्री कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दू जैसे यहां पे देखो यहां ये आपको जो पहला प्रोसेस दिया हुआ है ये आपका जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें जो है एन टू से पहले एन डबल बॉन्ड एन एच डबल बॉन्ड एन एच फॉर्म होता है

इसमें जो है एफी मोलेबेडियम जो है आप कैटलिस्ट यूज़ करते हो एंड यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है आपका यूज होता है हाई प्रेशर यूज होता है एंड इसके कारण जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड इसी एक्सपेंसिव होने के कारण जो है मैक्सिमम प्रोसेस जो होता है आपका बायोलॉजिकल थ्रू होता है यहाँ पे एग्जाम्सन देखो यहाँ पे एन टू प्लस थ्री एस टू जो टू एन एस थ्री फॉर्म करता है लेकिन यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज करते है जो मेटल यूज करते है ये यह एफी मो यहाँ पे मोलबेडियम टाइटेनियम एंड वेनेडियम जो है आप यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पे इसके ऊपर में जो है क्वेश्चन पूछा गया कौन कौन से मेटल जो है आप यहाँ पे यूज करते हो अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है जो आप यहां पे जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस करोगे ओके बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है आपके सस्ते होते हैं तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है कुछ यहां पे बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं एंड जो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं उसमें एग्जाम्पल से आपका यहां पे क्लोजो यहां पे ट्रीडियम है एंड यहां पे जो है आपका एजो बैक्टीरिया है एंड यहां पे जो है राइबोजियम है मतलब नेम अजीब अजीब है आप यहां पे देख लेना एक बार ओके तो ये बैक्टीरिया के थ्रू जो है आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो है आपका यहाँ पे नाइट्रोजन यहां पे फिक्सेशन होता है अब थ्री टाइप ऑफ जो है नाइट्रोजनस एंजाइम होता है एक होता है वेनेडियम एक होता है आयरन एंड एक होता है मोलोडीम जो है आपका नाइट्रोजिनस होता है इस तरीके से यहां पे होते हैं अब हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में रूब्रिडक्शन तो रूब्रीडोक्शन क्या होता है ना ये आपका जो है आपका एक नॉन हिम जो है आपका आपका नॉन हिम प्रोटीन यहां पे जो है आपका नॉन हिम आयरन प्रोटीन होता है ओके इसका ये बात याद रखना एंड इसमें एफी जो है आपका यहाँ पे प्लस थ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एंड ओनली वन एफी एंड फोर जो है आपका यहाँ पे जो है फोर okay, सिक्सटीड प्रेस्त्त प्रेस्त्त्त्त होता है एक एफी जो है एंड यूनिट जो है आपके यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं एंड जो सिक्सटीन यूनिट जो आपके यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये आपका जो है नॉन लेबाइल होते हैं ये आपका मेनली जो है एमिनो एसिड से होता है ये आपका एफी हो गया एंड यहाँ पे सी एंड यहाँ पे सी एंड यहाँ पे सी एंड यहाँ पे जो है सी वाई दोनों तरफ जो है इस तरीके से रूवलॉक्सिन में जो है प्रेजेंट होते हैं तो ये दोनों चीजें अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है के बारे में तो ये भी आपका नॉन ही है यहाँ पे याद रखना टू एफ ए, टू एस होता है एंड फोर एफ, ए, होता, है, एफ ए, होता है तो इस तरीके से आप याद रखना एंड यहाँ पे बहुत सारी बेसिक चीज मैंने आपका यहाँ पे कवर कर लिया है ओके एंड यहाँ पे सब चीजें याद रखोगे तो आपको लगभग जो है क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके बन जाएंगे तो उम्मीद है आपको जो है इससे कुछ हद तक जो है तो हेल्प हुई हुई होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड इसका पीडीएफ जो है आपको मैं चैनल में प्रोवाइड कर दूँगा तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियोस में तब तक के लिए धन्यवाद